हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग ग्राफिक सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अभी तक हम लोगों ने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोज यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का। प्रॉब्लम मुंबई यूनिवर्सिटी के 2018 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है 15 मार्क्स के लिए, और जो है पेंटागोनल पिरामिड का है ना, पेंटागोनल पिरामिड का प्रॉब्लम है। डायरेक्टली बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ मैं, देखो क्या दिया है। अ पेंटागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 35 mm एंड हाइट 70 mm इज हैविंग वन ऑफ इट्स बेस एज इन द HP विथ ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दिस एज परपेंडिकुलर टू HP कॉमा पैरेलल टू VP एंड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। देखो इस वाले प्रॉब्लम में एक्सिस का इंक्लिनेशन नहीं दिया है हम लोग को। क्या क्या दिया है, 35 mm साइड है, 70 mm हाइट है उसका, है ना, और उसका जो एक बेस एज है, एज मतलब क्या होता है, एज मतलब साइड, है ना। देखो अभी पेंटागोनल पिरामिड है हमारा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो पेंटागोनल पिरामिड के का जो ट्रू शेप रहेगा उसका बेस रहेगा पेंटागोनल शेप का, और पेंटागोन को 5 साइड्स होते हैं और 5 कॉर्नर्स होते हैं, और साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड को हम लोग एज बोलते हैं। एज और साइड मतलब दोनों सेम है, एज मतलब क्या होता है, साइड होता है ना। सो वो क्या बोल रहा है, 35 mm उसका साइड है, 70 mm उसका एक्सिस हाइट है। अब वो रेस्ट कर रहा है HP पे। अभी HP मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग को पता है HP मीन्स क्या होता है, जो भी हमारा XY लाइन रहेगा। देखो अभी यहाँ पे पहले प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझ लेते हैं। जो भी हमारा XY लाइन रहेगा, सो XY लाइन फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू नीचे होता है। सो फ्रंट व्यू में HP एज ए कंसिडर होगा XY लाइन, और टॉप व्यू में VP कंसिडर होगा XY लाइन, है ना। सो ऑन द HP मतलब जो भी फ्रंट व्यू हमारा बनेगा वो XY लाइन पे बनेगा, है ना। और सेकंड चीज क्या बोला है हम लोग को, सेकंड चीज आगे देखो प्रॉब्लम पढ़ते हैं, विद अ ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दिस एज, है ना। अब ये जो एज है, एक एज मतलब एक साइड HP पे रहेगा, एक साइड XY लाइन पे रहेगा, फ्रंट व्यू का एक साइड XY लाइन पे रहेगा, है ना। और ये जो साइड है, ये साइड को हम लोग मिलाते हैं ऊपर अपेक्स से, तो उसका एक ट्रायंगुलर फेस बनता है। देखो पेंटागोनल पिरामिड में 5 साइड होते हैं, और 5 साइड को हम लोग अपेक्स से ज्वाइंट करते हैं तो ट्रायंगुलर फेसेस बनते हैं। और ऐसे कितने ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, 5 ट्रायंगुलर फेस होते हैं ना। अब प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, वो जो एक एज है, एक साइड है, वो साइड HP पे, मतलब फ्रंट व्यू में एक साइड क्या रहेगा, XY लाइन पर रहेगा, और उस साइड को अगर हम लोग एक्सिस से ज्वाइंट करते हैं तो जो ट्रायंगुलर फेस बनेगा, वो ट्रायंगुलर फेस कैसा है, परपेंडिकुलर टू HP है। सेकंड स्टेप में वो ट्रायंगुलर फेस कैसा रहेगा, HP को परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब XY लाइन में फ्रंट व्यू में हमारे XY लाइन को कैसा रहेगा, वो ट्रायंगुलर फेस परपेंडिकुलर रहेगा, है ना, और पैरेलल टू VP। अब वो जो साइड है, वो साइड किसको पैरेलल रहेगा, VP को पैरेलल है, मतलब टॉप व्यू में वो साइड कैसा रहेगा, XY लाइन को पैरेलल रहेगा, है ना, ये हम लोग को बोल रहा है ना, ड्रॉइड्स प्रोजेक्शन बोला है। देखो HP और VP दोनों को इंक्लिनेशन है, डबल इंक्लिनेशन वाला प्रॉब्लम है। HP को भी इंक्लाइन रहेगा, VP को भी इंक्लाइन रहेगा, कैसा रहेगा हम लोग देखते हैं। देखो सब में पहले हम लोग को ये समझना है कि इसका ट्रू शेप किधर दिखेगा, मतलब ऊपर हम लोग को पेंटागॉन दिखेगा या नीचे पेंटागॉन दिखेगा, ये हम लोग को समझना है। तो इसके लिए सिंपल सी चीज हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो बेस है, जिसने क्या बोला है, ट्रायंगुलर फेस परपेंडिकुलर, ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दैट एज, मतलब जो भी एज है उसको कंटेन करने वाला जो ट्रायंगुलर फेस है वो किसको परपेंडिकुलर है, HP को परपेंडिकुलर है, मतलब सेकंड स्टेप में HP को इंक्लिनेशन है, मतलब हमारा जो टॉप व्यू रहेगा, जो भी हमारा ट्रू शेप रहेगा, वो हम लोग किधर दिखेगा, टॉप व्यू में दिखेगा, है ना। नीचे हम लोग को पेंटागॉन दिखने वाला है ना, और नीचे हम लोग को पेंटागॉन दिखने वाला है। और प्रॉब्लम में वर्ड कैसा है, पेंटागॉन कैसा रहेगा, नीचे टॉप व्यू में पेंटागॉन रहेगा, पेंटागॉन ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे या पेंटागॉन हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, है ना। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो राइट साइड में हम लोग साइड लेंगे या राइट साइड में कॉर्नर लेंगे, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, अगेन प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम में वर्ड आया 70 mm इज हैविंग वन ऑफ इट्स बेस एज, बेस एज मतलब साइड, तो उसका साइड HP पे, बेस एज ऑन HP आया है, एज वर्ड जब भी आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा पेंटागॉन ड्रॉ करेंगे कि जिसका साइड राइट साइड में हो, है ना। अगर प्रॉब्लम में वर्ड आता है कॉर्नर इन द HP या कॉर्नर ऑन द VP, ऐसा वर्ड आता है, तो हम लोग ऐसा पेंटागॉन ड्रॉ करेंगे जिसका कॉर्नर राइट साइड में। हमारे प्रॉब्लम में बेस ऑफ एज इन द HP ऐसा वर्ड आया, बेस मतलब साइड, तो साइड राइट साइड में हो ऐसा पेंटागॉन हम लोग ड्रॉ करेंगे, मतलब ऐसा पेंटा वाला पेंटागॉन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं जिसका साइड राइट साइड में हो, है ना। तो चलो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सब में पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं पेंटागॉन।
सो पेंटागॉन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को पता है पेंटागॉन का साइड हम लोग को दिया है, बेस ऑफ साइड 35 mm दिया है। तो सब में पहले यहाँ पे 35 mm का एक साइड ड्रॉ कर लेंगे जो कि वर्टिकल रहेगा राइट साइड में हम लोग, है ना। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंगल्स का हेल्प लेके हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल पेंटागॉन का कितना होता है हम लोग को पता है 72 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 72 डिग्री का एंगल लेंगे, इधर से 72 डिग्री का एंगल ले लेंगे और सेम वे हम लोग इस वाले पॉइंट पे रखेंगे हमारे प्रोटेक्टर को और इधर से भी 72 डिग्री का एंगल ले लेंगे, यहाँ पे 72 डिग्री, और दोनों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 72 डिग्री के लाइन ड्रॉ करेंगे। पेंट लाइन ड्रॉ करना है जो एक्स्ट्रा लाइन से बाद में हम लोग को उसको रफ कर लेना है। यहां से भी हम लोग 72 डिग्री की लाइन ड्रॉ करेंगे और अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपल हम लोग को राउंडर का हेल्प लेना है। राउंडर में जितना साइड है दैट इज 35 mm उतना डिस्टेंस हम लोग को लेना है राउंडर में, इस वाले पॉइंट पे रखना है, इस वाले पॉइंट पे रखना है और इसको इधर कट करना है, इस वाले पॉइंट पे रख के इस वाली लाइन को कट करना है। भी जहां जहां पे पॉइंट्स कट हुए हैं उस पॉइंट पे रख के हम लोग को इधर चॉप्स ड्रॉ करना है, और जहां पे भी दोनों चॉप्स इंटरसेक्ट हो गए वहां पे हमारा फिफ्थ पॉइंट मिलेगा। सारे पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं, अभी सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं तो इनको हम लोग को क्या करना है डार्क लाइन से ज्वाइंट कर लेना। सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है, डार्क कर लिया। अभी पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे ये वाला रहेगा हमारा पॉइंट ए, ये रहेगा बी, ये रहेगा सी, डी एंड ई, है ना। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, दो साइड्स को बाइसेक करना है, दो एंगल को बाइसेक करना है। हम लोग एंगल को बाइसेक करेंगे, कोई भी एक डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट कट करेंगे और इस वाले पॉइंट पे रख के इधर एक चॉप और इस वाले पॉइंट पे रख के उस चॉप को हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे। ये वाला एंगल ए बाइसेक्ट हो चुका है, अभी सेम वे एंगल बी पे रखेंगे हम लोग पॉइंट हमारा राउंडर और सेम प्रोसेस करेंगे इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए। देखो इधर एक चॉप ड्रॉ करेंगे और इस वाले पॉइंटर पे रख के इधर एक चॉप ड्रॉ करेंगे। ये दोनों एंगल्स बाइसेक्ट हो चुके हैं, इनमें से लाइन पास करना है। अब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो रहेगा हमारा सेंटर, पेंटागॉन का सेंटर। ऐसे ही सेम प्रोसेस आप लाइन को बाइसेक्ट करके भी आप सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। दो जो साइड्स हैं कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स को बाइसेक्ट करके भी आप सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो। ये मिल गया हम लोग को पेंटागॉन का सेंटर, ये मिला है पेंटागॉन का सेंटर पॉइंट, इसको हम लोग नाम दे देंगे P, O। अभी इस सेंटर से हम लोग को क्या करना है, इस सेंटर से सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है। देखो सारे कॉर्नर्स को इस सेंटर से ज्वाइंट करना है, डार्क लाइन दिखेगी हम लोग को क्योंकि सेंटर से सारे कॉर्नर्स को हम लोगों ने ज्वाइंट कर लिया क्यों, क्योंकि ये हमारा पेंटागोनल पिरामिड है। इसको नाम दे देते हैं O, P, है ना। यहाँ पे O, P पॉइंट आएगा। अभी देखो इसको भी हम लोगों ने नेमिंग दे दिया है, अब बारी है हमारे फ्रंट व्यू की। फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से 1 cm डिस्टेंस पे हम लोग क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो रहेगी हमारी XY लाइन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग XY लाइन को ड्रॉ कर देंगे, XY लाइन को ड्रॉ कर देंगे। XY लाइन ड्रॉ करने के बाद XY लाइन को एज ए रेफरेंस लाइन लेना है और हम लोग को फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। देखो फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए सारे प्रोजेक्शंस को हम लोग को ऊपर ट्रांसफर करना है, हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शंस ऊपर ट्रांसफर कर लो। पॉइंट सी के, सी और ई एक ही लाइन में आएगा, पॉइंट सी और ई के प्रोजेक्शन, पॉइंट ओ और पी के प्रोजेक्शन, सेंटर पॉइंट के प्रोजेक्शन भी हम लोग को ऊपर ट्रांसफर करना है। देखो सेंटर पॉइंट की प्रोजेक्शन भी हम लोग को ऊपर ट्रांसफर करना है, यहाँ तक ट्रांसफर करना है और इसके ऊपर हम लोग को सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। देखो तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेंटर लाइन एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा पेंटागोनल पिरामिड का एक्सिस, ओके। अभी बाकी के पॉइंट्स को भी ट्रांसफर कर लेते हैं हम लोग। देखो A, B, ये जो एज है ये वही एज है जो हम लोग को क्या करना है ऑन द एज पी रखना है, और यही एज है जो क्या रहेगी परपेंडिकुलर रहेगी इसको हमारे HP को, है ना, और VP को ये साइड पैरेलल रहने वाली है जैसा प्रॉब्लम में बोला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को हम लोग डार्क कर लेते हैं।
इस वाले बेस को हम लोग सब में पहले डार्क कर लेंगे और पॉइंट्स को नाम दे देंगे। यहाँ पे जो जो पॉइंट्स आए हैं पॉइंट्स को नाम दे देंगे। देखो ये वाला पॉइंट डी है तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को डी डैश। ये वाला पॉइंट है हमारा सी, सी और ई एक लाइन में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा हम लोग को ई डैश कॉमा सी डैश। और ये पॉइंट ओ और पी है तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा पॉइंट पी डैश, यहाँ पे मिलेगा पी डैश। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को ए डैश कॉमा बी डैश। सारे पॉइंट्स हम लोग को मिले हैं। अभी एक्सिस, एक्सिस का लेंथ कितना दिया है हम लोग को, देखो प्रॉब्लम में हम लोग को एक्सिस का लेंथ दिया है 70 mm, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 70 mm पे एक्सिस पे हम लोग पॉइंट ले लेंगे। हम लोग को हमारा पॉइंट ओ मिलेगा। देखो यहाँ से 70 mm पे हम लोग को यहाँ पे पॉइंट मिलने वाला है ओ, है ना। ये मिल गया हमारा पॉइंट ओ, यहाँ पे इसको नाम दे देंगे ओ डैश। अभी पॉइंट ओ से सारे लाइंस को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट कर लेना है। देखो सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट करना है, सारे डार्क पॉइंट्स हम लोग को दिखेंगे यहाँ पे। देखो अब देखो अब बारी है सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप के लिए अगेन हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो क्या दिया है, पेंटागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 35 mm एंड हाइट 70 mm इज हैविंग वन ऑफ इट्स बेस एज इन द एचपी विथ ट्रायंगुलर सरफेस कंटेनिंग दिस एज परपेंडिकुलर टू एचपी। देखो ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दैट एज, अब कौन सा ट्रायंगुलर फेस, ए बी ओ, ये वाला जो ट्रायंगुलर फेस है, देखो ए बी ओ यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, ए बी ओ ये वाला जो ट्रायंगुलर फेस है जो हम लोग को फ्रंट व्यू में ए बी ओ इस लाइन से दिख रहा है, तो ये वाला ट्रायंगुलर फेस को अपने को क्या करना है, एचपी को परपेंडिकुलर करना है। एचपी मतलब क्या, एक्स वाई लाइन। फ्रंट व्यू में एचपी मतलब एक्स वाई लाइन, तो एक्स वाई लाइन ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल है इसको परपेंडिकुलर करना है इस वाले एज ए बी ओ को। मतलब ये जो लाइन है ए बी ओ, इस वाले लाइन को हम लोग को क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को परपेंडिकुलर करना है। मतलब ये परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको परपेंडिकुलर लाइन मतलब परफेक्ट वर्टिकल लाइन चाहिए ना। सो मतलब ए बी ओ इस वाली एज को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वर्टिकल कर देना है, ऐसा परपेंडिकुलर कर देना है ना। सो इस वाली एज को हम लोग को वर्टिकल करना है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, हम लोग सिंपल यहां से कुछ डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, कुछ अप्रोप्रिएट डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे ए डैश कॉमा बी डैश, है ना। अब ये ए बी से ओ जो लाइन है, ए बी से ओ लाइन को हम लोग को वर्टिकल करना है। ए बी ओ लाइन मतलब क्या, ए बी ओ ये ट्रायंगुलर फेस है जिसको अपने को क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है एचपी को। एचपी मतलब एक्स वाई लाइन, तो एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर करना है इस वाली लाइन को, है ना। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ड्राफ्टर का हेल्प लेंगे हम लोग, ड्राफ्टर को यहाँ पे सेट करेंगे हमारे एक्स वाई लाइन पे, है ना। एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर मतलब एक्स वाई लाइन को 90 डिग्री पे, है ना। सो एक्स वाई लाइन को यहाँ पे 90 डिग्री पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, रफ लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। अब हमारे राउंडर का हेल्प लेंगे, इस ए बी से ओ इतना डिस्टेंस ले लेंगे राउंडर में, राउंडर में डिस्टेंस ले लेंगे ए बी से ओ, और यहाँ पे रखना है ए बी पे, इसको कट करना है, है ना। अब जहां पे भी कट हो गया वो वाला रहेगा हमारा पॉइंट ओ, ये रहेगा हमारा पॉइंट ओ डैश, है ना। अब ए बी से ओ ये जो लाइन है इसको हम लोग को क्या करना है, इसको डार्क कर लेना है। देखो यहाँ पे, है ना, इसको हम लोग डार्क कर लेंगे, है ना, ये वाली लाइन हम लोग यहाँ पे डार्क कर लेंगे, ठीक है। अब ए बी ओ ये पॉइंट मिल गया, अब ए बी मिला, अपने को डी पॉइंट फाइंड आउट करना है। डी पॉइंट कनेक्टेड है ओ से और डी पॉइंट कनेक्टेड है ए बी से। सो हम लोग अगेन क्या करेंगे, राउंडर का हेल्प लेंगे, सब में पहले राउंडर को रखेंगे ए बी पे, ए बी से डी इतना डिस्टेंस लेंगे हम लोग, ए बी से डी इतना डिस्टेंस लेंगे, देखो ए बी से डी लिया, ए बी पे रखना है और इधर एक चॉप ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद अगेन हम लोग डिस्टेंस लेंगे ओ से डी, ओ से डी इतना डिस्टेंस लेना है, ओ से डी इतना डिस्टेंस लेना है, देखो ओ से डी डिस्टेंस लिया हम लोगों ने, अब ओ पे रखा हम लोगों ने, ओ पे रख के इसको इधर कट करना है इस वाले चॉप का ना। अब जहां पे दोनों चॉप कट होंगे वहां पे हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट डी डैश। अभी पॉइंट डी डैश मिलने के बाद क्या करना है, इन तीनों लाइन्स को हम लोग को ज्वाइंट करना है। देखो इन तीनों लाइन्स को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट कर लेना है डार्क लाइन से, है ना, ये सारे डार्क लाइन रहेंगे, ए बी से डी और डी से ओ को भी हम लोग को क्या करना है, ज्वाइंट कर लेना है, देखो डार्क लाइन्स। ओके अभी अभी कौन से पॉइंट चाहिए हम लोग को, ई कॉमा सी और पी डैश,
ये दो पॉइंट चाहिए। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमारे राउंडर का हेल्प लेंगे। राउंडर के हेल्प से ए बी टू पी इतना डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे कट करना है। और राउंडर के हेल्प से ए बी टू ई कॉमा सी इतना डिस्टेंस लेना है और यहाँ पे रख के इधर कट करना है। तो ये दो पॉइंट हम लोग को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे पॉइंट है हमारा ई डैश कॉमा सी डैश, और यहाँ पे पॉइंट है हमारा पी डैश। ठीक है, तो सब में पहले यहाँ पे सेंटर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सारे लाइन हम लोगों ने डार्क कर लिए। देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम लोगों ने ट्रायंगुलर फेस एबीओ को परपेंडिकुलर कर दिया है एचपी को, मतलब एक्स वाई लाइन को। ठीक है, अब यहां से हम लोग को टॉपी ड्रॉ करना है। तो टॉपी ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे ड्राफ्टर को सेट करेंगे एक्स वाई लाइन पे और सारे लाइंस के प्रोजेक्शन, सारे पॉइंट के प्रोजेक्शन नीचे ले लेंगे। यहाँ पे देखो हर एक पॉइंट के प्रोजेक्शन नीचे ले लेंगे। देखो ओ और इस ए बी का प्रोजेक्शन एक लाइन में आएगा, ये प्रोजेक्शंस और ये वाले प्रोजेक्शंस, सारे प्रोजेक्शंस हम लोग इधर नीचे ले लेंगे। और यहाँ पे फ्रंटी में से अभी एक एक पॉइंट के प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। देखो ये वाला पॉइंट है हमारा सी, देखो सी के प्रोजेक्शन इधर ले रहे हैं हम लोग। अभी सी की लाइन किधर है, इधर से देखो, इधर से सी आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट सी। देखो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा पॉइंट सी, इसको नाम दे दो यहाँ पे, ये पॉइंट है हमारा सी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका बी। पॉइंट बी कहाँ से आ रहा है, ये वाले पॉइंट के प्रोजेक्शन है बी के, ये बी पॉइंट आ रहा है इधर से। अब इधर देखो बी पॉइंट किधर है, ये ए और बी का लाइन है ना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉइंट बी, है ना। उसके बाद बी के बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा ओ पी। देखो ओ पी और डी तीनों एक लाइन में, है तीन पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हम लोग को इस वाली लाइन पे, है ना, ओ पी और डी। तो सब में पहले डी वाला पॉइंट, देखो डी वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इसको नाम दे दो डी। अब ओ और पी कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पी की लाइन आ गई, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको पी, और ये ओ का लाइन है ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को ओ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना ए। देखो ए पॉइंट, के प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। देखो ए पॉइंट के प्रोजेक्शन ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे। ए पॉइंट कहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखो ये ए और बी का लाइन है ना, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट ए। अभी सेम वे लास्ट वाला पॉइंट है हमारा ई, तो पॉइंट ई के प्रोजेक्शन हम लोग ट्रांसफर करते हैं यहाँ से। देखो ये पॉइंट ई, अभी पॉइंट ई और यहाँ से पॉइंट ई हम लोग को कहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है। देखो ये है हमारा पॉइंट ई। देखो इस तरह से सारे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो सब में पहले अभी पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं ना। अभी देखो अभी स्टॉप व्यू में कौन से लाइन डार्क रहेंगे, कौन से लाइन फेंट रहेंगे, इसके लिए हम लोग देखेंगे हमारे प्रोजेक्शन आ रहे इधर से नीचे, है ना। तो प्रोजेक्शन इधर से नीचे आ रहे, तो ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से, देखो ये लाइन एग्जैक्टली वर्टिकल है, तो ऊपर से देखेंगे तो ओ पॉइंट भी दिखेगा, ए बी भी दिखेगा। ए बी एग्जैक्टली इसके नीचे है, दोनों पॉइंट दिखने वाले, ए बी भी दिखेगा, ओ भी दिखेगा, ई सी भी दिखेगा, डी भी दिखेगा, सारे पॉइंट दिखने वाले हैं और सारे के सारे पॉइंट डार्क आने वाले हैं ना। तो इसलिए सिंपल सारे पॉइंट्स को हम लोग को क्या करना है, फटाफट ज्वाइंट कर लेना है। देखो तो देखो इस तरह से हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डार्क कर लिया, सारे पॉइंट्स हम लोग को डार्क दिखेंगे। और देखो सारे जो एजेस है ए बी सी डी ई सब कहाँ पे, ओ पॉइंट से ज्वाइंट करना है। इसलिए यहाँ पे ई को ओ से ज्वाइंट किया, डी को ओ से किया, सी को ओ से किया है, और ए बी तो ऑलरेडी इस ओ पॉइंट पे ही आ गया है ना। तो सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने ओ पॉइंट से ज्वाइंट किया है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेप कम्प्लीट होता है। देखो अभी थर्ड स्टेप के लिए हम लोग को क्या करना है, प्रॉब्लम को यहाँ पे एक बार रीड कर लेना है। थर्ड स्टेप के लिए हम लोग को पेंटागोनल पिरामिड साइड ऑफ बेस 35 mm एंड हाइट 70 mm इज हैविंग वन ऑफ इट्स बेस एज इन द एचपी विद द ट्रायंगुलर सरफेस कंटेनिंग दिस एज परपेंडिकुलर टू एचपी पैरेलल टू वीपी। ये जो ट्रायंगुलर फेस कंटेन करने वाला एज है, जिस एज की बात चल रही है, कौन सा एज है वो, ए बी, ये साइड ए बी, ये साइड ए बी है ना। तो ये जो साइड ए बी है ये किसको पैरेलल है बोला है, थर्ड स्टेप में वीपी को पैरेलल है। वीपी मतलब टॉप व्यू की एक्स वाई लाइन है ना। तो टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन को पैरेलल रहेगा, अभी थर्ड स्टेप में टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन को पैरेलल रहेगा। कौन, वही साइड, कौन सी साइड, ए बी साइड, जिसकी हमारी बात चल रही है स्टार्टिंग से। ये साइड ए बी अब कैसा रहेगा, इस एक्स वाई लाइन को साइड ए बी पैरेलल रहेगा। अब ये पेंटागन को हम लोग को ऐसे वर्टिकल है, तो इसको ऐसे उठा के ऐसे कर देना है, मतलब ऐसे करना है कि ये ए बी कैसा हो जाए,
वीपी को पैरल हो जाए, मतलब टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन को पैरल हो जाए, इस पेंटागन को उठा के हम लोग को ऐसे टिल्ट कर देना इधर, है ना, इसको उठा के ऐसे टिल्ट कर देना इधर, है ना। तो हम लोग को इस सेम पेंटागन को यहाँ पे बनाना है, जिसकी साइड ये ए बी कैसी रहेगी, पैरल रहेगी, किसको, इस हमारे एक्स वाई लाइन को, टॉप व्यू में वीपी को, है ना। तो चलो इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो सब में पहले ड्राफ्टर को हम लोग सेट कर लेते हैं एक्स वाई लाइन पे। एक्स वाई लाइन पे सेट कर लिया हम लोगों ने, अब एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले हमारा साइड ए बी ड्रॉ कर लेंगे, देखो साइड ए बी ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे, है ना, ये पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, देखो, है ना। अब इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे दूंगा, देखो जब इसको मैं ऐसे करूंगा तो बी पॉइंट इधर आएगा और ए पॉइंट इधर जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा, यहाँ पे किधर नाम दे दूंगा, ये रहेगा मेरा पॉइंट बी, है ना, ये रहेगा मेरा पॉइंट बी। अब ए पॉइंट कहाँ पे रहेगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, राउंडर का हेल्प लूंगा, यहां से मैं राउंडर में डिस्टेंस ले लूंगा बी टू ए, है ना, बी टू ए इतना मैं डिस्टेंस ले लूंगा, यहाँ पे बी टू ए डिस्टेंस लिया और यहाँ पे बी पे पॉइंटर रखूंगा और इसको कट कर दूंगा, है ना। उसके बाद बी से मुझे ओ पॉइंट भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बी से ओ इतना डिस्टेंस ले लूंगा राउंडर में, बी टू ओ डिस्टेंस ले लूंगा, है ना, और बी टू ओ डिस्टेंस लेके यहाँ पे बी पॉइंट पे रख के इसको भी कट कर दूंगा। सो मुझे दो पॉइंट मिल गए, यहाँ पे मुझे मिल गया है पॉइंट मेरा ओ और यहाँ पे मुझे मिल गया है पॉइंट मेरा ए, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे ए बी ओ, ये पूरी लाइन कैसी है, डार्क है। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे भी इसको डार्क कर लूंगा, मतलब यहाँ पे जैसा पेंटागन है सेम पेंटागन बनाना है, सिर्फ इसको क्या करना है, पैरेलल करना है, ए बी साइड को पैरेलल करना है किसको, एक्स वाई लाइन को, ये डार्क कर लूंगा मैं। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे देखो यहाँ पे ए के लाइन में देखो, ए बी लाइन को परपेंडिकुलर लाइन है ना। अब यहाँ पे ए बी वर्टिकल थी, ये लाइन हॉरिजेंटल थी, अब यहाँ पे ए बी हॉरिजेंटल हो गई, तो ये लाइन डी पी ओ, ये लाइन कैसी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल इस लाइन ओ से, इस पॉइंट ओ से मैं क्या करूंगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, ऐसे नीचे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना। अब इस वर्टिकल लाइन पे देखो, ओ से पी और ओ से डी इतना मैं डिस्टेंस ले लूंगा यहाँ पे राउंडर में और पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दूंगा। देखो सब में पहले मैं डिस्टेंस ले लूंगा, ओ से पी इतना डिस्टेंस लेना है ना, और यहाँ पे ओ पे रखना है और इसको कट करना है। उसके बाद यहाँ पे ओ पॉइंट से हम लोग को डी इतना डिस्टेंस लेना है, ओ से डी इतना डिस्टेंस ले लेना है और यहाँ पे इस पॉइंट ओ पे रखना है और इसको इधर कट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को दोनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, यहाँ पे हम लोग को मिल गया है पॉइंट हमारा डी, है ना, कौन सा पॉइंट मिला, ये वाला मिल गया डी पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग को मिल गया है पॉइंट पी। सो ओ मिल गया, पी मिल गया, डी मिल गया, है ना। और यहाँ पे देखो डी पी ओ, ये पूरी लाइन कैसी है, डार्क है। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डी पी ओ जो लाइन है हमारा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे। देखो यहाँ पे हम लोग ड्राफ्टर के हेल्प से ये वाली लाइन एकदम डार्क ज्वाइंट कर लेंगे, देखो, ठीक है। अब बचे हमारे पॉइंट ई और सी, है ना। अब ये पॉइंट सी कनेक्टेड है डी से और पॉइंट सी कनेक्टेड है बी से, सी बी से कनेक्टेड है और डी से कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी से सी इतना डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में, राउंडर में बी से सी इतना डिस्टेंस ले लेंगे, बी पे रखेंगे, इधर एक चॉप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद डी से सी इतना डिस्टेंस ले लेंगे और यहाँ पे डी पे रखेंगे और इसको कट करेंगे। सेम वे ई पॉइंट कनेक्टेड है ए से और ई पॉइंट कनेक्टेड है डी से, तो मैं क्या करूंगा, मैं डी से ई इतना डिस्टेंस ले लूंगा, डी से ई लिया और यहाँ पे डी पे रख के मैं इधर चॉप ड्रॉ करूंगा क्योंकि ई पॉइंट मेरा इधर आएगा, है ना। और सेम वे मैं ए से ई इतना डिस्टेंस ले लूंगा, ए से ई इतना डिस्टेंस ले लूंगा और यहाँ पे ए पॉइंट पे रखना है, ए पॉइंट पे रख के इसको इधर कट करना है। अभी जहां पे ये दो पॉइंट कौन से है हमारे, ये वाला पॉइंट है हमारा ई, ये वाला पॉइंट है ई और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है मेरा सी, है ना। अब ये दोनों पॉइंट्स पे क्या करना है, ज्वाइंट कर लेना है, डार्क लाइन रहेंगे दोनों के भी, देखो अभी इन पॉइंट्स को हम लोग ने डार्क ज्वाइंट कर लिया। अभी देखो ई से ओ, सी से ओ और डी से ओ, ये सारे पॉइंट कनेक्टेड है, तो ई से ओ से डी तो कनेक्टेड है, सी से ओ और ई से ओ हम लोग को कनेक्ट करना है। देखो यहाँ पे ये भी डार्क लाइन आएंगे, देखो
जैसा उधर पेंटागॉन है एज इट इज ड्रॉ करना है, जो डार्क है वो डार्क, जो डॉटेड है वो डॉटेड। डॉटेड तो यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है। तो देखो ई से ओ को भी कनेक्ट करना है। देखो ओ हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर से सारे एजेस कनेक्ट होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने सबको कनेक्ट कर लिया है। इसको हम लोगों ने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है कि प्रॉब्लम में जैसा बोला था, ये जो साइड हमारा एज हमारा ए बी है वो वीपी को पैरेलल होना चाहिए। अब यहाँ पे वीपी को ये पैरेलल है ना। अब हमारा फाइनल स्टेप है जो हमारा आंसर रहेगा, जो हम लोग को यहाँ पे फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। उसके लिए हम लोग इसके प्रोजेक्शन ऊपर लेंगे और इसके प्रोजेक्शन साइड में लेंगे और हमारा व्यू यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखो चलो अब सब में पहले क्या करेंगे, ड्राफ्टर को एक्स वाई लाइन पे सेट कर लेते हैं हम लोग, है ना। और ये सारे प्रोजेक्शंस को हम लोग ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं, हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन ऊपर ट्रांसफर करेंगे। देखो इस तरह से सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शन हम लोगों ने ऊपर ले लिए। अब इधर से पॉइंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। देखो ए और बी हमारा इधर है ना, इस लाइन पे एक्स वाई लाइन पे ए और बी। तो सब में पहले पॉइंट ए और बी को हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। देखो ए और बी एक्स वाई लाइन पे आएगा, है ना। यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट बी का है, ये वाला लाइन ए बी की है। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा पॉइंट बी, है ना, इसको नाम देंगे बी डैश। ये लाइन ए की है, यहाँ से ए लाइन आ गया, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को ए डैश, है ना, बी डैश ए डैश मिल गया। अभी देखो अभी नेक्स्ट लाइन है हमारा ये वाला। देखो पॉइंट सी इधर से आ रहा है ना, पॉइंट सी इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इस वाली लाइन को ट्रांसफर करेंगे। सब में पहले यहाँ से प्रोजेक्शन ले लेते हैं। देखो ई और सी, है ना, तो यहाँ पे देखो ये सी की लाइन आ गई, तो यहाँ पे मिलेगा सी, है ना, और ये ई की लाइन आ गई, तो यहाँ पे मिलेगा ई। तो यहाँ पे पॉइंट को नाम दे देते, ये है हमारा ई डैश और ये है हमारा सी डैश, है ना। अभी सेम वे ये अपना पी का पॉइंट है, तो देखो पी के पॉइंट के प्रोजेक्शन इधर ट्रांसफर करते हैं। पी और ये वाली लाइन देखो डी पी ओ, तीनों की लाइन एक ही है ना, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा पॉइंट पी डैश, तो इसको नाम दे देंगे पी डैश। अभी अभी उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट है अपना डी पॉइंट, है ना, सो डी पॉइंट के प्रोजेक्शन इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना। अब डी और इधर से कौन सी लाइन, डी पी ओ की सेम लाइन है, ये वाली लाइन है ना, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट हमारा डी डैश, इसको नाम दे देंगे डी डैश, है ना। उसके बाद अभी लास्ट वाला फाइनल पॉइंट है हमारा ओ, है ना, तो पॉइंट ओ के प्रोजेक्शन हम लोग इधर से ट्रांसफर कर लेते हैं, है ना। और पॉइंट ओ कहाँ पे आएगा, अगेन डी पी और ओ तीनों की एक ही लाइन है, सो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा पॉइंट हमारा ओ डैश। अभी सब में पहले हम लोग को क्या करना है, सब में पहले हम लोग एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। पी से ओ तक हमारा एक्सिस लाइन है, इस एक्सिस लाइन को ड्रॉ करेंगे। एक्सिस लाइन है, एक्सिस लाइन को ड्रॉ कर लो। देखो ये एक्सिस लाइन हम लोग पी से ओ तक ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अभी अभी इसके बाद हम लोग को देखना है कि कौन से पॉइंट हम लोग को डार्क दिखेंगे, कौन से पॉइंट हम लोग को फ्रंट दिखेंगे। उसके लिए हमारा ऑब्जर्वर प्रोजेक्शन किधर से, नीचे से ऊपर गए ना, तो यहाँ से ऑब्जर्वर हमारा देखेगा, यहाँ से इधर से प्रोजेक्शन जा रहे हैं। अब इधर से आप देखते हो, अब इधर से आप देखोगे तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो साइड बी ए है, बी ए पॉइंट हम लोग को नहीं दिख रहे, है ना। पॉइंट बी और पॉइंट ए अब हम लोग को इधर से नहीं दिख रहा है, बी भी नहीं दिख रहा है, ए भी नहीं दिख रहा है ना। सो बी ए ये दो पॉइंट्स कैसे रहेंगे, डॉटेड रहेंगे, है ना। इतना जो पोर्शन है वो डॉटेड आने वाला है और बाकी का सारा पोर्शन कैसा रहेगा, डार्क रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सब में पहले ये जो पूरा पेंटागॉन है हमारा, ये पूरा का पूरा डार्क दिखेगा हम लोग को, सारे पॉइंट हम लोग को दिख रहे हैं ना। तो सब में पहले ए बी इसको डार्क ज्वाइंट कर लो, ए बी को ज्वाइंट कर लो। उसके बाद हमारा बी डैश टू सी डैश इसको ज्वाइंट कर लो, सारे पॉइंट्स डार्क रहेंगे। देखो तो देखो यहाँ पे सारे साइड्स हमारे डार्क रहेंगे, पूरा पेंटागॉन डार्क रहेगा, सिर्फ बी से ओ और ए से ओ इतनी साइड हम लोग को नहीं दिखने वाली, पीछे दिख रही है इसलिए वो डॉटेड आएगी। देखो तो इन दिस वे सारे स्टेप्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।